नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हेल्दी लाइफस्टाइल, ये हम सभी की ख्वाहिश होती है कि हम सभी का लाइफस्टाइल हेल्दी हो। हम जो भी पूरे दिन में करें वो हमारी सेहत को अच्छा रखे, हमारा रूटीन अच्छा रहे। लेकिन अलग अलग तरह की जॉब्स अलग अलग तरह के लोग करते हैं। कोई 9 to 5 की जॉब करता है, कोई इवनिंग शिफ्ट करता है, कोई नाइट शिफ्ट करता है। तो अब इन अलग अलग टाइमिंग्स में अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी रहे, शरीर जिसे मंदिर कहा जाता है वो हेल्दी रहे, आपको सबसे पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा और अपने वर्क शेड्यूल को और अपनी हेल्थ को इस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जिस भी आवर्स में आप ऑफिस जाते हैं, चाहे वो मॉर्निंग आवर्स हों, आफ्टरनून आवर्स हों, इवनिंग आवर्स हों या नाइट शिफ्ट क्यों ना हो, तो आप अपनी हेल्थ का उस तरीके से ध्यान रखें। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़े से एफर्ट्स ज़रूर लगते हैं, लेकिन अगर इन एफर्ट्स को आप अपना रूटीन बना लें, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बना लें, तो आपको खुद अच्छा लगेगा और वो चेंजेस आप अपने अंदर महसूस करने लगेंगे। तो आज मैं आपको एक क्यूमुलेटिव पैकेज के बारे में बताऊंगी, जिसमें कौन कौन से इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में जब आपके पास वक्त ना हो तो 15 मिनट निकाल के ये 5 प्राणायाम आप कर लीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, टाइम है तो बिल्कुल वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, रनिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए। लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कभी कभी शेड्यूल बहुत टाइट हो जाता है या कई बार ऑफिस की व्यस्तताओं के कारण एक्स्ट्रा शिफ्ट्स भी लग जाती हैं, तो उन एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में भी कहीं पर भी बैठकर बस एक एकाग्र शांत मन हो, शांत चित्त हो, शांत जगह हो, आसपास बहुत शोर ना हो, ऐसी कोई जगह आप घर में या ऑफिस में आपको जब भी जहाँ भी जैसे भी टाइम मिले खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद वो ढूंढ कर ये 5 प्राणायाम आप कर सकते हैं और इन 5 प्राणायाम को आप अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कहूँगी जो सबसे अच्छा वक्त इन प्राणायाम को करने का है वो सुबह उठकर है। तो अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं या इवनिंग शिफ्ट वाले हैं या आफ्टरनून शिफ्ट वाले हैं, तो जब भी आप उठें आधा घंटा अपने लिए या 20 मिनट अपने लिए इन प्राणायाम को करने के लिए निकाल लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका पूरा दिन और आपका जो पूरा उठने के बाद का वक्त है कितना एनर्जेटिक होगा और आप कितना हैप्पी, हेल्दी और पॉजिटिव फील करेंगे। तो कौन कौन से वो प्राणायाम हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, साथ ही आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राणायामों की। पूरी 5 प्राणायामों की सीरीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चेंजेस जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे या जो चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाएंगे, ये वंडर्स दिखाएंगे, यही कमाल दिखाएंगे और आप उन वंडर्स को महसूस करेंगे और ये छोटे छोटे चेंजेस आपको बहुत अंदर से हैप्पी फील करवाएंगे, एंजाइटी फ्री, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन फ्री फील करवाएंगे। तो आइए प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है भस्त्रिका। कोई भी आसन आप करें, चाहे भस्त्रिका करें, चाहे अनुलोम विलोम करें, चाहे कपालभाति करें, चाहे भ्रामरी उद्गीत करें या उज्जायी करें, जो बेसिक है सभी आसनों का वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप इन तीनों में से कोई भी प्राणायाम करें तो सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन में बैठ जाइए, चाहे वो वज्रासन हो, पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो मेरी तरह, या फिर सुखासन हो। आपको जो भी सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल लगे आप उसमें बैठ जाइए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है घुटनों की तो आप एलिवेट कर सकते हैं अपनी टेल बोन को, यानी कि आप बॉल्स्टर पे बैठ जाइए, आपके दोनों घुटने जो हैं वो फ्लोर को टच करेंगे बॉल्स्टर के बिल्कुल एज पे, या फिर आप जहाँ बैठे हैं जिस भी मैट पे वहाँ 2 पिलोज रख लीजिए और उन पिलोज की एज पे बैठ जाइए, ताकि आपकी जो टेल बोन है वो एलिवेट हो, और जब वो एलिवेट होगी तो पॉस्चर स्पाइन का एकदम स्ट्रेट आएगा। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्राणायाम करते हुए जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये कि आप स्ट्रेट बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी बैक में इस तरह का कोई हंज नहीं होना चाहिए या प्राणायाम करते करते आपकी बैक में ऐसे हंज आ जाए तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी बैकबोन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहनी चाहिए, बिल्कुल 1 लाइन में आपकी स्पाइन रहेगी, और आप अपने शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए और फिर डाउन करिए और रिलैक्स कीजिए, तो उससे जो शोल्डर्स हैं वो भी स्ट्रेट 1 लाइन में रहेंगे, आपकी जो नेक है, चिन है और चेस्ट है वो भी 1 लाइन में रहेगा, और आपका गेज बिल्कुल सामने रहेगा टू 1 फोकल पॉइंट, उसी पॉइंट को आपने देखना है। जब आपका पॉस्चर एकदम से करेक्ट है तो फिर आप आसनों को प्राणायाम करना शुरू करेंगे तो आपको वो फील होंगे आपकी बॉडी के अंदर,
आपको थोड़ा पेन होगा इनिशियली अगर आप सीधे बैठने के आदि नहीं हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग ऑफिसेज में काम करते हैं या बहुत लंबा सीटिंग या स्टैंडिंग जॉब करते हैं तो उनके पॉस्चर में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप सीधे बैठेंगे तो आपका पॉस्चर भी ठीक रहेगा, आसन करने में आपको वो इन डेप्थ आसन और प्राणायाम फील भी होंगे। तो जब आप इस पॉस्चर में बैठ गए, आपके दोनों हाथों की जो मुद्राएं हैं वो चिन मुद्रा में रहेंगी। चिन मुद्रा मतलब आपका जो थंब और फर्स्ट फिंगर पॉइंटर का टिप है वो एक दूसरे को टच करेगा टिप से, तीनों उंगलियां ओपन रहेंगी, हाथ आपका टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स द वॉल या टुवर्ड्स द सीलिंग, आपकी थाई के ऊपर, आपके घुटनों के ऊपर प्लेस्ड रहेगा, आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, लेंथन आपको अपनी बैकबोन को बिल्कुल खींच के लेंथन करना है, कीप इट स्ट्रेट। और उसके बाद आप अपनी आँखें बंद करेंगे और जैसे जैसे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगी प्राणायाम का, आपने उस प्रोसेस को फॉलो करना है। आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए, आपका जो नेक चिन और चेस्ट है वो वन लाइन में रहेगा। आप बहुत ही नॉर्मल कंफर्टेबल ब्रेथ लेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ये प्रिपरेशन है किसी भी प्राणायाम को करने से पहले। नॉर्मल आपने ब्रीद इन करना है नोज से, ब्रीद इन और ब्रीद आउट नोज से। वन मोर राउंड, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, नॉर्मल ब्रेथ रहेगी और ब्रीद आउट। जब आपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर लिया उसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका की शुरुआत। अब भस्त्रिका करने के लिए आपने स्ट्रॉन्ग इन्हेलेशन ले करना है और स्ट्रॉन्ग एक्सहेलेशन करना है, यानी कि फोर्सफुल आपका इन्हेलेशन रहेगा। जब आप ब्रेथ अंदर लेंगे तो वो फोर्सफुली लेंगे और जब ब्रेथ आप बाहर छोड़ेंगे तो वो एक्सहेलेशन भी फोर्सफुल होगा। और जब आप ब्रेथ बाहर छोड़ेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आपके आपका जो पेट का एरिया है वहाँ पर एक हॉलो स्पेस बन गया है और आपका जो बेली है वो पीछे की तरफ आपके टेल बोन को पुश कर रहा है। तो जब ये पूरा प्रोसेस आप फील करेंगे या ये हॉलो बैक आप हॉलो एरिया आप अपने पेट के पास फील करेंगे, इसका मतलब जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर रहे हैं, तो आप अपने पेट से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं। अब भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह से फ़ायदेमंद है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो आपका फूड और विंड ट्रैक है ये उसको क्लीन करता है, क्लियर करता है, जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको हैं उन प्रॉब्लम्स से आपके शरीर को बचाता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन के सप्लाई और ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है, जो हमारा लंग्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचे उसका काम करता है, साथ ही हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाता है। अब जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, क्योंकि इसमें इंटरनल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो आप ये प्राणायाम ना करें, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करें।